प्रभात झा ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चीन से आने वाली चीजों पर जानबूझकर आयात शुल्क घटाया, आज कमलनाथ को इसका जवाब देना होगा। प्रभात झा ये बड़ा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये सच गांव-गांव तक फैल जाएगा। कमलनाथ ने चीन के माध्यम से राजीव गांधी फाउंडेशन को फायदा पहुंचाया है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी चाइना की भाषा बोल रहे हैं। तो देखिए, तीखा हमला प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर किया है और उन्होंने चीन का एजेंट कमलनाथ को बताया। सुनिए कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। ये जो चीन भक्ति है ये राष्ट्रभक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। तो देखिए, ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और सवाल पूछे गए हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए। जुगल, प्रभात झा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी अध्यक्ष के ऊपर ये तीखा हमला किया गया है और चीन का एजेंट बताया गया है। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पे प्रतिक्रिया दे रही है। कल जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी राजीव फाउंडेशन को दिए गए चीनी सहायता पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज बीजेपी ने कमलनाथ को निशाने पे लिया है क्योंकि कमलनाथ वाणिज्य कर मंत्री थे केंद्र सरकार में उस वक्त में, तब चीन से सामान खरीदा गया था और उसमें कुछ गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। तो निश्चित रूप से बेहद बड़ा मामला है और ये मुद्दा बीजेपी को मिल गया है और आगे लगता है ये कि उपचुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जाएगी और कमलनाथ को चीनी एजेंट बताकर ये जनता के बीच में ये बात रखी जाएगी कि ये लोग भारत के प्रति वफादार नहीं बल्कि चीन के प्रति वफादार है। तो एक जनता के बीच जाकर एक भावनात्मक मुद्दा भी इसको बनाने की तैयारी में बीजेपी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो हम ये देखें कि चीनी एजेंट बताकर एक बड़ा हमला किया है कमलनाथ पर बीजेपी ने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुगल इस तमाम जानकारी के लिए।